नमस्कार मित्रों, शिवालय स्टोर चैनल में मैं राकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये मेरी एस्ट्रोलॉजिकल सीरीज का लेक्चर 19 का पार्ट 3 है, जो मैंने आपको बताया था कुछ ज्योतिष के नियम। एक पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि अंशा के बारे में कि किस तरीके से डिफरेंट अंशा होते हैं और किस तरह से उनके देवता होते हैं, कैसे रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। सेकेंड पार्ट में मैंने आपको उस भावार्थ रत्नाकर के नियम बताए थे, दिग्बली के बारे में बताया था, और ये थर्ड पार्ट है जिसमें मैं आपको पुष्कर नमाज के बारे में बता रहा हूँ कि पुष्कर नमाज का क्या यूज है। हम लोग नॉर्मली कुंडली जब देखते हैं तो ये जो नियम मैंने आप लोगों को बताए हैं पुराने दो वीडियो के अंदर भी और इस वाले वीडियो में भी, ये ऐसे नियम हैं जो जनरली हम लोग अप्लाई नहीं करते कुंडली के ऊपर, और जो कि अप्लाई करने बहुत जरूरी है, क्योंकि यही नियम बताते हैं कि कौन आदमी उस ऊंचाई तक कैसे पहुंचा है। तो बहुत जरूरी है देखना, तो ये भी एक देखना बहुत जरूरी होता है कि पुष्कर नमाज के कितने कौन सा ग्रह आपका पुष्कर नमाज में बैठा है। लेकिन नमाज क्या होता है, नमाज का मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूं कि नमाज आपका ये 30 डिग्री की एक राशि होती है। अगर उस 30 डिग्री के 9 पार्ट करें हम लोग तो 3 डिग्री 20 मिनट का एक पार्ट आता है, यानी इसको बोलते हैं नमाज, 1/9 पार्ट इज दी नमाज। तो ये नमाज हो गए, तो कुल मिलाकर 12 राशियां होती हैं। एक राशि में 9 नमाज हो गए तो 12 राशियों में 108 नमाज हो गए, 12 × 9 108 नमाज हो गए। तो वो बहुत पुष्कर नमाज 108 नमाज होने की वजह से बहुत शुभ हो जाते हैं और नमाज साथ में, और शायद इसीलिए जो हमारी माला होती है इसको माला लोग फेरा करते हैं रात में, उसमें भी 108 मंदिर होते हैं। तो पुष्कर नमाज क्या चीज होती है, पुष्कर नमाज ऐसा है कि उन 108 नमाज में से कुछ नमाज ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे कहलाते हैं। जैसे आपको मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कौन कौन से नमाज है। देखिए, चार तरह की राशि हमारी होती है, अग्नि राशि, पृथ्वी राशि, वायु राशि और जल राशि। अग्नि राशि में हमारा होता है मेष, सिंह, धनु, 1/5/9। ये मेष, सिंह और धनु के नाम है, यानी मेष, सिंह और धनु राशि में कोई ग्रह हो और ग्रह की डिग्री ऐसी हो 20 से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में उस ग्रह की डिग्री हो, या 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में उस ग्रह की डिग्री हो, तो जिस नमाज में वो जाएगा D9 चार्ट में वो पुष्कर नमाज होगा। अब दोबारा समझिए कि अगर कोई भी ग्रह, मान लीजिए सपोज कीजिए किसी भी मंगल, इसको हम लेते हैं से मंगल की, मंगल ग्रह हमारा उसकी डिग्री 20 से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में है और वो इनमें से किसी एक राशि के अंदर बैठा हुआ है 1, 5 या 9 में, तो मंगल जब नमाज में देखेंगे तो अगर मंगल नमाज में चेक करेंगे तो 20 से 23 के बीच में होने से मंगल हमेशा नमाज में तुला राशि में जाएगा। तो ये जो नमाज होता है जिस राशि में जाएगा ये नमाज पुष्कर नमाज कहलाते हैं। तो इसी प्रकार से अग्नि राशि में 2 नमाज होते हैं, एक 7th वाला नमाज 20 से 23 डिग्री 20 मिनट, दूसरा 9th नमाज 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक का। मैंने आपको बताया था कि एक नमाज का पार्ट 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। पृथ्वी राशि के अंदर भी, पृथ्वी राशि वृष, कन्या, मकर, इनके अंदर भी 3rd नमाज यानी 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री तक का, और 5वां नमाज 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक का भी नमाज, ये पुष्कर नमाज होता है। वायु राशि में 3, 7, 11 यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ, इनमें छठा नमाज भी 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री, यानी कोई ग्रह वायु राशि में बैठा हुआ है 3, 7 या 11 राशि में बैठा हुआ है और उसकी डिग्री 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री के बीच में है तो वो पुष्कर नमाज में कहलाएगा। छठा नमाज एंड 8th नमाज 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक, ये नमाज पुष्कर नमाज कहलाते हैं। जल राशि के अंदर 4, 8 और 12 में, तो इसमें भी सेम, पहला नमाज और दूसरा नमाज, थर्ड नमाज, तो पहला नमाज यानी 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक एंड थर्ड नमाज 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री तक, यानी इस राशि में अगर जल राशि में कोई ग्रह बैठा है 4 नंबर में बैठा है, 8 में या 12 नंबर में बैठा है और उसकी डिग्री ऐसी है कि जो 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर आती है या 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री के बीच में आती है तो वो पुष्कर नमाज में जाएगा D9 चार्ट के अंदर। तो मैंने यहां पर D9 चार्ट बनाया हुआ है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जैसे बुध है वो 6 नंबर पे यानी कन्या में आया हुआ है, कन्या पुष्कर नमाज है,
मतलब कहने का सिंपल विधान है, देखिए तुला पुष्कर नवांश, धनु पुष्कर नवांश, मीन मीन, वृष मीन द्वारा आ गया, वृष आपा आ गया, कर्क और कन्या, यानी इन नवांशों में जो भी ग्रह बैठे होंगे दिन आयु के अंदर वो पुष्कर नवांश में कहलाए जाएंगे। मोटा मोटा हम ये लोग इस तरह से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ये डिग्री इस तरह से अप्लाई करने के बाद वो इन्हीं नवांश में आएंगे, कर्क कन्या मीन वृष या तुला और धनु। तो सिंपल है कि बुध बैठा है कन्या में, तो कन्या का नवांश होता है पुष्कर नवांश होता है, तो बुध यहाँ पुष्कर नवांश में है। बृहस्पति बैठा है कर्क में, तो कर्क का नवांश पुष्कर नवांश है, दिया है जल राशि के अंदर, तो बृहस्पति कर्क नवांश में है, तो बृहस्पति पुष्कर नवांश में है। तो इस तरीके से ये शुक्र भी पुष्कर नवांश में है, क्योंकि यहाँ पर दो नंबर राशि है, वृष राशि है, और वृष भी पुष्कर नवांश में आता है, यहाँ वृष दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ, सिमिलरली शनि देखिए आप, शनि इस कुंडली के सातवें भाव में है, डी नाइन में नवांश चार्ट में, और शनि इस राशि में बैठा हुआ है धनु राशि में, धनु राशि भी पुष्कर नवांश में चलाती है, तो शनि भी पुष्कर नवांश में बैठा हुआ है। यानी कोई ग्रह अगर आपकी कुंडली में अच्छा है, पॉजिटिव है, और वो पुष्कर नवांश में भी बैठ गया डी नाइन चार्ट के अंदर, तो समझिए उसने बारह नहरे कर दिए। इवन वो ग्रह अगर थोड़ा नेगेटिव भी है और पुष्कर नवांश में वो चला गया तो भी वो रिजल्ट अच्छे देगा। कोई ग्रह अगर आपका नीच का भी है और वो पुष्कर नवांश में चला गया डी नाइन चार्ट के अंदर, चाहे पुष्कर नवांश में चला जाए बस, तो वहां भी रिजल्ट उसके शुभ हो जाते हैं। तो देखिए पुष्कर नवांश में जाने से कितने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं किसी ग्रह के। तो ये चार्ट हमारे इसमें होता है, तो इसमें सिंपली आपको रिलेक्शन करते हुए ये देखना है कि जब भी आप ये देखें तो ग्रहों की डिग्री जरूर देखें, और ग्रहों की डिग्री से जब डी नाइन चार्ट आप बनाएंगे, डी नाइन चार्ट कैसे बनाते हैं ये ऑलरेडी बुक्स में दिया हुआ है, तो डी नाइन चार्ट जब बनाएंगे आप, तो डी नाइन चार्ट के अंदर या आपका कंप्यूटर से कुंडली निकलती है और उसको उसके अंदर डी नाइन चार्ट दिया होता है, तो आप देख सकते हैं ग्रहों की डिग्री के हिसाब से कि कौन से ग्रह ऐसे हैं जो पुष्कर नवांश में बैठे हैं, और उन पुष्कर नवांश वाले ग्रह अगर जन्म कुंडली में आपके प्लस है तो एक्स्ट्रा प्लस हो जाते हैं, अगर माइनस हैं तो प्लस हो जाते हैं, नीच के हैं तो प्लस हो जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हाँ, इसमें एक चीज थोड़ी देखने वाली होती है कि सपोज कीजिए कोई ग्रह पुष्कर नवांश में है, जैसे यहां देखते हैं शुक्र पुष्कर नवांश में है, यानी शुक्र वृष के नवांश में है, शुक्र पुष्कर नवांश में है, लेकिन जो पुष्कर नवांश की राशि है वृष दो नंबर, वो डी वन चार्ट के अंदर आठवें भाव में पड़ती है, डी वन चार्ट में वो आठवें भाव में राशि पड़ती है, तो यहां पर क्या होगा, रिजल्ट 50-50 हो जाएगी, 50% रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, 50% रिजल्ट थोड़े खराब मिलेंगे। तो ये भी ध्यान देने वाली बात होती है कि पुष्कर नवांश में रिजल्ट बढ़ते तो है ही है, लेकिन वो देखना पड़ता है कि पुष्कर नवांश की जो राशि है जो डी नाइन में है, वो राशि डी वन में छठे आठवें या बारहवें भाव में हो तो उसमें रिजल्ट थोड़े नेगेटिव भी हो जाते हैं, पॉजिटिव भी मिलेंगे नेगेटिव भी मिलेंगे। तो ये था पुष्कर नवांश के बारे में, आशा करता हूँ आपको पूरा ये समझ में आया होगा, और कहीं कोई कंफ्यूजन हो पुष्कर नवांश के बारे में तो आप हमेशा पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेडिक्शन में जरूर लगाइए, जैसे तीन वीडियो मैंने बताया है, अंशा उसके बाद भगवान प्रतिमा करके नियम और ये पुष्कर नवांश के बारे में, ये तीनों जब आप कुंडली के ऊपर लगाएंगे तो इन तीनों से एक कुंडली का बहुत अच्छा रूप आपके सामने निकल जाएगा, और आप ये सिद्ध कर सकेंगे कि कोई बहुत ही अच्छा सेलिब्रिटी है वो इतनी ऊंचाइयों में पहुंचा है, तो उसकी ऊंचाइयों में पहुंचने का रीजन योग तो है ही, उसके अलावा ये भी है कि पुष्कर नवांश में है, नियमों में है, या आपके अंशा में अच्छे अंशा में ग्रह हैं। आशा करता हूँ आपको ठीक लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।